भाई वो भाई क्या चीज है यहाँ, वो भाई ये देख ले काफी खतरनाक जगह है यार ये तो। यहाँ से चलते हैं इधर को, इसको बस ऐसा करना है यहाँ पे आग जल जाएगी देखो आराम से सीन। और यहाँ है टीवी, हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर। ओ भाई हड्डियाँ, वहाँ पे चंदू भाई को कुछ दिखा है। और लोकेशन आपने देख ली है, कितनी खतरनाक लोकेशन है। वाह, 11:04 हुए हैं, अभी हमें टेंट पैक करके वापस कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश न्यू कैंपिंग वीडियो में। आपको जो पीछे अपना जो शेल्टर दिख रहा होगा उससे लग रहा होगा कि हम लास्ट वीडियो से ही आगे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 3-4 दिन बाद वापस से हम यहाँ पर आए हुए हैं। 5 वीडियो प्रीवियस जो रही वो यहीं की रही। आज हम एक बहुत ही अलग लोकेशन पे जाने वाले हैं। यहाँ पर शेल्टर पर कैंपिंग नहीं होगी आज, आज कहीं और जाएंगे साथ में चंदू भाई। तो यार सुबह सुबह हम घर से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार हॉन्टेड जगह पर कैंपिंग करो, तो आज हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वो काफ़ी हॉन्टेड और डरावनी जगह है, तो वहाँ जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि शेल्टर का क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे या फिर क्या करोगे। तो शेल्टर हमारा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, इसमें बहुत कुछ और करेंगे आगे जाके। जैसे कि सोचा कि प्लास्टिक रैप करके इसको वाटरप्रूफ बनाएंगे ताकि हम बारिश में कैंपिंग कर पाए। तो चलो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन से। जंगल देखो गाइस है ना एकदम डरावना, अभी स्टार्ट हुआ है। ऊपर ऊपर को जाएंगे ना और भी खतरनाक जंगल है ऊपर को। वैसे मैं पहले गया हूँ इस साइड को, लेकिन कैंपिंग आज तक नहीं करी है मैंने यहाँ। तो देखते हैं यार, एकदम न्यू लोकेशन रहने वाली है। देखो यार अंदर पूरी गुफा है, यहाँ पर आके ऐसा फील हो रहा है कि रास्ता वाला डर जैसी लग रही है भाई। बहुत खतरनाक है ना, यहाँ से कैसे चले आप? काफ़ी खतरनाक जगह है यार ये तो। यहाँ से चलते हैं इधर को। ओ भाई चलने का डर बहुत ज़्यादा, भाई। देखो हमें यहाँ से ये पार करके ऊपर जाना है। तो यार आप हमें ये वाला पार करना है, पहले मैं कर लेता हूँ फिर देखता हूँ अगर जगह है यार यहाँ से ऊपर जाने को। मोए मोए ना हो जाए भाई से मुश्किल है पर ये तो चले गया। अब मेरी बारी गाइस, अब पता नहीं मैं जा पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ। चलो एक बार मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। ले हाथ दे, वेरी गुड, पकड़ मेरे को, हम दो दो नजर जाए नीचे। तो भारी है ना, देखो यार एकदम अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे। हम जाए जा रहे हैं ऊपर को, पता नहीं कैसा है ऊपर को, नहीं पता ज़्यादा। यहाँ पे देखो धुआं फेंकने वाला पौधा, पहले मैंने हाथ टच किया यहाँ पे, मैंने कहा आग भाई आग कैसे जल गई यहाँ पे। देखो इसको बस ऐसा करना है यहाँ पे आग जल जाएगी देखो ये देखो देखो मैजिक। दरअसल ये एक टाइप का मशरूम टाइप का है जिसके अंदर पाउडर रहता है, अभी सूख गया तो ये अंदर से सारा पाउडर उड़ रहा है बाहर को। और देखो ये जगह कैसे कैसे जाना पड़ता है भाई, आराम से। ओ भाई फिसल रहे यहाँ पे, तो पत्ते फिसल रहे खतरनाक। चंदू भाई मोए मोए ना हो जाए,
हाईलाइट दिया जाए एक। ओ भाई क्या, और भी अच्छा है। ओ भाई क्या जन्नत लोकेशन है, वाह। यहाँ पे तो यार अब ऐसा लग रहा है 2 घंटे चलने के बाद कुछ अच्छी अच्छी लोकेशन मिली। हाँ। आराम से भाई, यहाँ पे हम रास्ता भटक गए, पता ही नहीं चल रहा है किस ओर जाना है हमें। जैसे तैसे ही झाड़ियों से होते हुए घुस रहे अंदर को। यहाँ देखो गाइस, भाई साहब अखरोट देख रहे हो, वॉलनट, ओ देखो, और इसमें देखो, इसमें देखो भाई, ये तो बादाम की तरह पूरा वो कितने पानी में गिरे पड़े हैं। ओहो 100-200 तो नहीं इसमें यार। ये वाला पेड़ दिख रहा ना आपको, ये है वॉलनट का, अखरोट का। चंदू भाई बढ़िया है, टेस्टी, खराब नहीं हुआ। देखो यार हमें एक गुफा मिली है बड़ी ज़बरदस्त भाई। ओ भाई क्या चीज़ है यहाँ, ओ भाई ये देख रहे। अब हम दोबारा लाइट लेके देख रहे हैं अंदर भाई। वो चीज़ ना जो सामने आपको दिख रही होगी, ऐसा लग रहा था भालू का पैर अंदर, आग जलाई है, आग जली हुई अंदर, ऐसा कैसे? सच में देखना भाई, वो देख, ये वाला लग रहा था जैसे भालू सो रखा अंदर भाई साहब। आग जला रखी है क्या? आग जली हुई है और मेरे ख्याल से भी भालू मामा शायद से कुछ खाने को गए होंगे। और जो पहले में भी मैंने ये देखा, हाँ ये वाला लग रहा था पैर जैसे भालू का। एक तो लाइटिंग कम थी तो यार अचानक से डर गया मैं। और वैसे अगर ये वाला पत्थर नहीं होता ना यहाँ, मस्त लगी। बहुत ही लंबा जगह है यार, इससे बहुत आगे है ये। हाँ सोने के लिए 3 जन आराम से, और आग जलाने के लिए यहाँ पे आग लाके, यहाँ पर आग। और बहुत ही मस्त गुफा, एक एक नीचे भी सो सकता है नीचे बैठ में। हाँ रात को पानी आ गया तो बहने का खतरा है बस। बस चलो यार यहाँ तो नहीं कर सकते ना। हाँ आज तो नहीं कर सकते, पर सोलो में हो सकता है यहाँ के अंदर कभी। यहाँ पे देखो भाई सीन बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर। ओ भाई हड्डियाँ बहुत बड़े, कुछ तो है भाई यहाँ, लगता है मामा कहीं खाने गए हैं। कभी आपने पेड़ पौधों को पानी पीते हुए देखा है? दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये कोई पौधा है, इसकी जड़ है, देखो कैसे पानी में गई हुई है, और यहाँ से एकदम बाल टाइप की लग रही है ना भाई। नेचर ना एकदम कमाल की चीज़ है, देखो पूरे बाल, इसकी रूट है और यहीं से पानी जाता पूरे इस झाड़ी तक। देखो यार इस साइड को कितने बड़े बड़े पेड़ भाई गिरे पड़े हैं पूरा यहाँ से ऊपर तक। चंदू भाई यहीं घर बना ले क्या, एक लकड़ी वाला? अरे यार 2 घंटे से चले जा रहा हूँ, कब पहुँचेंगे भाई? वही तो, यहाँ तो ऐसी लोकेशन है ही नहीं कि यहाँ पर कोई कैम करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बस ऐसे ही एक इतना सा गैप है दो पहाड़ों के बीच में जहाँ पर नदी है, और लेफ्ट राइट को कोई जगह है ही नहीं। थोड़ा और देखते ऊपर को, वरना फिर यार ऐसे कहीं पर करना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा चलने के बाद, छः सात किलोमीटर चलने के बाद ये लोकेशन मिली है, एकदम शांत और थोड़ी फ्लैट, पर खतरा है ऊपर, थोड़ा पहाड़ है, पत्थर आने का डर है। लेकिन इससे अच्छा लोकेशन शायद ही हमें मिले। तो अब एक काम करते हैं, इस जगह को क्लीन करते हैं और यहाँ पर टेंट पिच कर लेते हैं पहले। अभी हिम्मत नहीं है भाई ज़्यादा चलने की, वही तो। काफ़ी टाइम बाद आज टेंट वाली कैंपिंग हो रही है, 1 महीना लगभग हो ही गया है। चंदू भाई की बोलती बंद हो रखी है, क्यों चंदू भाई क्या हो गया? गले में हिचकिच,
टेंट अपना टिच हो चुका है। एक बार लकड़ी और पानी लेके आते हैं। लकड़ियाँ और पानी इकट्ठा कर ली। चंदू भाई आग जलाएंगे, तब तक मैं क्या करूँगा, टेबल वेबल लगा के बढ़िया सी चाय बना लेता हूँ बढ़िया। क्यों चंदू भाई, इतनी भूख लग गई यार सच में। वाओ, आग तो बढ़िया जला दी भाई। चंदू भाई अपने पास तीन ऑप्शन है आज, चाय कॉफ़ी और सूप। सूप? हाँ सूप पिला दे यार भाई, एनर्जी वापस चाहिए हमको यार, बहुत ज़्यादा एनर्जी गई आज। हम बना रहे हैं पहले सूप। क्या पिए? टमाटो है अपने पास और हॉट एंड शोर। टमाटो दे हॉट एंड शोर पिए ना? हाँ हॉट एंड शोर सूप नहीं हुआ। टमाटो नहीं तो हॉट एंड शोर। तो गाइस आप सोच रहे होंगे यार चंदू भाई आग पे ऐसे बैठे हैं जैसे ठंड है, ठंड इतना नहीं है फिलहाल क्योंकि यार मैं भीग नदी में गिर गया था ना। गिर गया चंदू भाई नदी में गिर गया था आज भाई। हाँ ये देख सकते हो पूरा गीला पड़ा है तो सुखा रहा हूँ यार, क्या करूँ। तो सूप में देंगे हम थोड़ा सा ट्विस्ट, इसमें अपना फेवरेट मसाला तिमूर का यूज करेंगे भाई, ये ना इसका टेस्ट चेंज कर देगा और ठंड में काफ़ी मस्त रहता है इसका टेस्ट। सूप रेडी है अपना चंदू भाई, मुझे पता है बढ़िया बना होगा। एक नंबर यार, मजा आ गया। इसमें गर्म पानी दो ना, ये काम पड़ेगा भाई। तो बढ़िया था क्यों बोल भाई, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं, खाया था पर बहुत काम भी किया ना, मतलब चल के आए। आए गर्मा गर्म सूप। टाइम भी बता दो, 4 बजे 7 घंटे हो गए हमें। पहले तो यार हमें कैंपिंग के लिए कोई स्पॉट मिला ही नहीं, इतना गए ऊपर इतना गए ऊपर, लास्ट में एक खुली खुली जगह मतलब लगभग पहाड़ी के ऊपर पे पहुंच ही रहे हम, इतने टॉप पे। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट पहाड़ के पीछे चले जाएंगे जहाँ पे हमने एक बारी ना वो हट पे कैंपिंग करी थी ना सैफर्ट के साथ, उस यहाँ से बस थोड़ा आगे है वो, इतना ऊपर गए आज हम। चलो जल्दी जल्दी तो नहीं, आराम आराम से थोड़ा पीते हैं उसके बाद देखते हैं, थोड़ी बॉडी में एनर्जी आएगी तभी कुछ काम कर पाएंगे। अब हम बनाएंगे डिनर, क्योंकि यार डिनर जल्दी बनाने का रीज़न वही है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है। 9 बजे 8 बजे के आसपास आए थे हम, उसके बाद से बस एक सूप पिए, अब बनाएंगे खाना। क्यों चंदू भाई, तो यार शाम होने जा रही है और टाइम रहते ही खाना बना लेते हैं। ओए होए क्या मज़े हैं यार, ये होती है असली कैंपिंग, प्रिपरेशन करते हैं डिनर बनाने की। वहाँ पे चंदू भाई को कुछ दिखा है, कोई जानवर है जो साइड को पता नहीं क्या है।
और पीछे साइड कुछ बकरी वाले हैं ऊपर पहाड़ के टॉप पे, उनके कुत्ते भी भौंक रहे हैं। यार कुछ हॉन्टेड सी चीजें हो रही हैं, और पीछे ना जो बकरी वाले कुत्ते वो भी भौंक रहे हैं बहुत तेज तेज। आक्षेप थोड़ी दूर क्या चले गए, मेरी हालत डाउन मां बहुत। तो यार हम वापस से करते हैं काम, फिर देखेंगे, पता नहीं जो भी था इग्नोर करते हैं अभी। नहीं यहीं पर था जस्ट, ये जैसे मैं पत्थर पर गया तो उधर से आवाजें आ रही थी, पता नहीं यहाँ वो है ना जंगल टाइप में दिखा नहीं, बट ऐसा लगा कि गाय भी हो गया, या तो छुपा हो सकता है या गाय गुफा भी नीचे, कि आज का दिन कुछ अलग ही सीन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। कौन फोन लेके भागा मैं गया, मैं दौड़ लगा के वहाँ पर एक ऐसा पेड़ ऐसे लोड में था वो, जैसे मैं पैर रखा धड़ा मैं ऐसे वाले पे था एकदम से, तब तक तो यहाँ भी आवाज आ रही थी। मैंने कहा यार क्या हो गया, किसने खींच लेगा नीचे को, फिर देखा पत्थर में कोई नहीं, फिर मैं भी डरा, मैं भी गया फिर पीछे। तो गाइस करते हैं स्टार्ट चॉपिंग से, चिकन बनने जा रहा आज अपना, तो चॉपिंग बोर्ड वगैरह निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले चॉपिंग। भाई इतने जोर से काट रहा है और जंगल में आवाज जा रही है, जानवर को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ये भी सोच रहे होंगे क्या कट रहे आज। आज तो हमारे पास मिर्च भी है यार, हरी मिर्च भाई, काफी टाइम बाद। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, चिकन निकाल लेता हूँ, है ना। ये रहा एकदम बेस्ट चिकन भाई, चिकन बनाने के लिए हम चूल्हे का यूज करेंगे, और आपको उससे पहले एक बार लाइव बर्फबारी दिखाते हैं। देखो बर्फबारी हो गई भाई, आसमान तो खुला खुला है। ऊपर से गई हरी मिर्च, ये आया हमारा मसाले में वही भाई, नमक मिर्च गरम मसाला कोरिएंडर मसाला और काली मिर्च वही है ना। तो यार लास्ट में हम दही डाल रहे हैं, पहले डालना था इसको बट भाई थोड़ा भूल गए हम लोग, चलो थोड़ी ग्रेवी और बन जाएगी इससे। चलो तो गाइस वहाँ पे अपना चिकन बन रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, जो पराठे बनने वाले हमारे उसके लिए आटा रेडी करता हूँ। चंदू भाई है ना, गाइस देखो कितना मस्त गुद गया ना आटा, एकदम सॉफ्ट। तो गाइस देखो चिकन बन गया, कितना अच्छा बना है चिकन, वाओ। ये तो गाइस तेजस भाई इसमें लेग पीस है की है, वो मेरे लिए है, आधा आधा करेंगे ना। चलो पराठे बनाते हैं यार, अब घी में बनाएंगे पराठे आज। ये देखो ये आप घी, इसको गरम करते हैं पहले, और मैं बनाऊंगा भाई पराठे। भूख कितनी लगी थी ना, हाँ यार
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यानी 12 रोटी बनाते हैं, 6 पराठे खाएंगे आज। ये रहा भाई ढेर सारा घी, बस बस फिला देता है और ऊपर से आप डाल दे भाई एक आराम से डालियो। ये तो भाई का जा देखो, वाह अब वेट नहीं होता। देखो यार पराठे आ चुका है, पराठा ये चिकन बहुत सारे पराठे हैं आज और साथ में चिकन। देखो यार क्या मस्त लग रहा है ना, लटपट लटपट चिकन और साथ में प्लेट लेके आओ चंदू भाई। ये रही प्लेट है, अब हम खाना स्टार्ट करेंगे। चिकन यहाँ बड़ा मस्त लग रहा है, एक बार प्लेट में डाल के दिखाते हैं। ओए होए थोड़ा सा ऊपर से देखो चिकन क्या मस्त दिख रहा है यार। देखो गाइस वाओ, कैसा रहा? चलो यार सबर नहीं होता है, खुद टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। वाह क्या बात है, चिकन प्रॉपर लेवल का और चिकन से अच्छा पराठे, क्योंकि उसमें घी है यार, उसका स्वाद अलग है। साथ में कांदा, वाह देखो भाई अगर मुझे इस खाने को 10 में से नंबर देने हो तो 10 out of 10 भाई। ऐसा चिकन और उसके साथ पराठे वो भी घी वाले, मज़ा आ गया। ऊपर से यार दिन भर की भूख, उसमें और भी मज़ा आया उसने सारा मज़ा और बढ़ा दिया। हमने चिकन टेस्ट किया ही नहीं है, हाँ तीसरी पे आ गया। मैं भी तीसरी पे। तो गाइस बढ़िया से खाना खाने के बाद अब टाइम है सोने का। ज़्यादा चंदू भाई तो अभी आग के मजे ले जा रहे हैं, मैं तो भाई सोने वाला हूँ। पर चंदू भाई को आज फिर से आज चंदू भाई को आज फुलाना नहीं पड़ेगा यार वेट, क्योंकि पंचर हो चुका है बिना हवा फुलाए सोना पड़ेगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, बस अब बढ़िया से सोते हैं। नींद भी ला रही है, पता नहीं आज ना कुछ ज़्यादा ही खा लिया है आज हमने लगभग 6 रोटियां खा ली और साथ में चिकन। तो यार खाना इतना हैवी था भाई, माँ के साथ नींद आ रही है सभी, मतलब हमने वेस्ट नहीं जान दिया ना, पटा दिया। तो
अब सोने की तैयारी हमारी, नींद आ रही है ज़्यादा। गाइस अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और बाहर पे आग जली हुई है, मन कर रहा है बाहर पे बैठ जाएं, लेकिन नींद भी आ रही है ना तो सो जाते हैं। तो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जल्दी उठे तो कुछ दिखाएंगे, वरना फिर जल्दी जल्दी घर को भी जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। चलो बंद कर दे, लाइट बंद करो भाई। अरे पूरा बंद हो गया रे ये तो। ग्यारह बज के 4 मिनट हुए हैं, अभी हमें टेंट पैक करके वापस कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी ना थोड़ी देर पहले ऊपर से 2 पत्थर गिरे हैं बड़े बड़े। एक तो बिल्कुल पास में आके गिरा है, पता नहीं कोई जानवर जा रहा होगा जब, लेकिन ऊपर से खड़ी चट्टान है तो यहाँ पर सेफ नहीं है। पता नहीं रात में पत्थर उतर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक पत्थर जस्ट पीछे पे है भाई, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, वो भी छोटे नहीं। तो जल्दी से मैं तो टेंट पैक करते हैं हम लोग और कहीं सेफ जगह पर जाते हैं, या फिर हो सके तो कोशिश करेंगे शेल्टर तक जाएं। बाप रे, मैंने तो सोचा एक बार, चलो आगे जाके मिलते हैं ना। टेंट में ही आ गया था जस्ट, क्यों टेंट क्यों भाई, बिल्कुल पास में गिरा था वो तो। तो यार भाई जाने का मन नहीं कर रहा है तेजस भाई, मेरे को तो क्या ही करें भाई, सेफ जगह पर जाना पड़ेगा यार। ऐसे पता है नेक्स्ट कैंपिंग लोकेशन है वो शेल्टर पर ही है, या फिर घर पर ही जाना पड़ेगा हमें। क्या ही करें यार, दोबारा टेंट वोट लगाएंगे या नहीं उसको नहीं पता। तो गाइस ऐसा होता है कैंपिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रात को भागना भी पड़ सकता है। गजेंद्र भाई केवल लेपर्ड या फिर कुछ जानवर ही से खतरा नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ खतरा रहता है। देखो यार ऊपर को ऐसी चट्टानें रहती हैं कि बड़े बड़े 2 पत्थर ऐसे आए ना भाई, मैंने कहा आज तो गए। एक पत्थर आया, उसके जस्ट 1 मिनट के अंदर फिर दूसरा पत्थर, और वो भी टेंट के जस्ट पास में। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से सेफ लोकेशन तो है ही नहीं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, पर शेल्टर है अपना। शेल्टर तक पहुँचने में हमें करीब 40 से 50 या फिर मैक्सिमम 1 घंटा ही लगेगा। तो वहाँ तक जाते हैं, वहीं नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। आराम से आना, पानी है, बहुत ठंडा है भाई। तो यार यही था, अपडेट देते हैं आगे जाके। फिलहाल तो बस जाते हैं, शेल्टर तक पहुंचते हैं कैसे, रास्ता थोड़ा डेंजर है तो इतना सूट क्या ही करें। अब और रास्ते में रात को ना रास्ते का नहीं पता चलता, तो हम क्या कर रहे हैं, बस नदी के सहारे जा रहे हैं, जहाँ पे पता चल जाएगा कि शेल्टर कहाँ पे है, फिर जाके शेल्टर में घुस जाएंगे आज।